नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा छिपाब दौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कार्यालय अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं समस्त अधिवक्ताओं ने मिलकर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी नागर एडवोकेट की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम छिपाब दौद उपखंड मुख्यालय पर तहसीलदार त्रिलोक चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष अभिभाषक परिषद कुंज बिहारी नागर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 29 अगस्त सोमवार को श्री गंगानगर के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने पुलिस के टॉर्चर करने से ताड़ित होकर हत्या कर ली थी, जिसकी सीबीआई से जांच कराई जाए कि आखिरकार विजय सिंह को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। मृत अधिवक्ता द्वारा नशे की रोकथाम को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही थी, एक जन जागृति अभियान भी चल रहा था जिसको लेकर पुलिस में रोष था। उसको लेकर पुलिस अधिवक्ता विजय सिंह एडवोकेट को टॉर्चर कर रही थी, जिससे आहत होकर अधिवक्ता ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं न्यायालय छिपाब दौद द्वारा उक्त घटना के विरोध में न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया, साथ ही शोक सभा आयोजित की गई और मृत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज छिपाब दौद कार्यालय अभिभाषक परिषद में जो छिपाब दौद के जो अभिभाषक परिषद के जो अधिवक्ता है, इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इनकी मुख्य मांग है कि दड़साना जिला श्री गंगानगर में पुलिस के टॉर्चर से आहत होकर के एक अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया, जिसके परिवार को क्या आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, उसको लेकर आज हमारे साथ है छिपाब दौद अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी जी नागर से हम जानना चाहते हैं कि क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या आज आपने किस में ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है कि कल 29 तारीख को घरसाना श्री गंगानगर जिले में के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी एडवोकेट जो वहाँ पे एक मुहिम चलाए हुए थे, उनकी मुहिम ये थी कि युवाओं में किस प्रकार से नशे को मुक्त किया जाए, उसको लेकर के पुलिस ने उनको इतना टॉर्चर किया कि उससे आहत होकर के और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि उन्होंने सुसाइड किया है, यहाँ पर उनकी हत्या की गई है, इसकी सीबीआई से जांच की जाए और उन अधिवक्ता को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता उनके परिवार को दी जाए, साथ ही उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आपके क्या विचार है भाई? गरसाना में वकील साहब के साथ जो घटना घटी है जी, इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होना चाहिए सबसे पहले, और इसमें जो दोषी लोग हैं वो सामने आना चाहिए और इसकी जांच उच्च स्तरीय सीबीआई से कराना चाहिए, और वकील साहब के जो परिवार है इनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। इसी के साथ ही वकील साहबानों की भविष्य के लिए सुरक्षा के लिए भी सरकार को कानून या धाराएं बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी पैरवी या जो भी अभिव्यक्ति है वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।